लिंगा डांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक 13 उम्र की बच्ची जिसका रेप किया गया, जिसको किडनैप किया गया, उसके बाद में रेप किया गया। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। लड़की की जो उम्र थी वो 22 उम्र थी। लड़की की जो उम्र थी, जो रेप की पिता है उसकी उम्र जो थी वो 13 उम्र थी। 13 उम्र की एक छोटी सी लड़की थी। 22 उम्र के लड़के ने पहले उससे सोशल मीडिया से दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद में जब वो विरार में रहने वाली लड़की थी, अपनी फैमिली के साथ में रहती थी, फिर वो अपनी दादी माँ से मिलने के लिए आगरीपाड़ा पहुंची। आगरीपाड़ा पहुंचने के बाद में ये लड़के ने उसको कॉल किया। पहले से फेसबुक में लोग दोस्त लोग थे। उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद में लड़की को बुलाया बाहर। लड़की जब आई तो उसको गाड़ी में डाल के किडनैप करके उसको राजस्थान लेके गया। राजस्थान लेके जाके साथ में एक दोस्त भी था जो MP से आया हुआ था। लड़के की उम्र जो है वो 22 उम्र बताया जा रहा है। लड़की की जो उम्र है वो 13 उम्र बताया जा रहा है। ये लड़की विरार में रहने वाली थी। सोशल मीडिया में इनके साथ में दोस्ती भी। जब किडनैप हुआ तो लड़की अपने दादी माँ से मिलने के लिए आगरीपाड़ा पहुंची। आगरीपाड़ा में वो लड़के ने उसको कॉल किया। कॉल करके बुलाया और बुलाने के बाद में उसको किडनैप करने के बाद में उसका रेप किया गया। और जो एक्यूज था, एक्यूज के साथ में एक और दोस्त था उसका जो MP से बिलोंग करता था, MP से आया हुआ था। वो MP से प्राइवेट गाड़ी में मुंबई शहर तक आया था और वो जाते जाते ये कर दिया। पुलिस ने रेप जो रेप पीड़िता है वो अपने माँ के साथ में और अपने सिस्टर के साथ में विरार में रहती थी। वो अपनी दादी से मिलने अग्रीपाड़ा साउथ मुंबई में पहुंची, जून के महीने में पहुंची। फिर ये रेप पीड़िता जो है अपने जो फ्रेंड है, सोशल मीडिया फ्रेंड है, उसके साथ में एक साल से दोस्ती है। उसके बाद में वो रेगुलरली टच में था। फिर अचानक से पता चला कि वो जो लड़का है उसने कॉल किया। कॉल करके लड़की को झूठ बोल के बुलाया। बुलाने के बाद में उसने उसका किडनैप किया और रेप किया। 1 जून को जो लड़का है वो हरियाणा बेस्ड कंपनी, पानी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है और उसका दोस्त जो है MP बेस्ड है, वो MP से आया हुआ था और मुंबई प्राइवेट गाड़ी से आया हुआ था। ये लोग ने लड़की को आगरीपाड़ा से पिकअप किया, फिर वहां से सीधा उसको राजस्थान लेके गया। राजस्थान लेके जाने के बाद में वहां पर रेप किया। रेप करने के बाद में उसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद में बारी बारी रेप किया। ये आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन से सवला राम अडवाणी, ये ऑफिसर का नाम है, सीनियर इंस्पेक्टर, जो पुलिस ने ये बताया कि जैसे कंप्लेंट उसकी दादी माँ ने दर्ज कराया था आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में हमने दो टीम बना के एक टीम पहुंचा MP जहां पे इसकी तहकीकात करने के लिए, जो गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया, जो कॉल रिकॉर्डिंग जो फेसबुक में जो सोशल मीडिया में उसके कॉन्टैक्ट नंबर मिले, जो कॉन्टैक्ट नंबर को ट्रेस करते हुए ये लोग MP पहुंचे। MP से उसको अरेस्ट किया गया। और पुलिस ने ये भी बताया कि जो कार थी वो कार को ढूंढते वक्त, कार को रजिस्ट्रेशन MP से हुआ था और उसको ढूंढते वक्त में उसने आरोपी तक पहुंच पाया। जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, आरोपी को ट्रांजिट रिमांड में रखा गया है और ट्यूजडे को कोर्ट में हियरिंग थी। और अभी एक अक्यूज आज भी सीनियर इंस्पेक्टर आर सैयद ने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन ने यह बताया है। जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, आरोपी को सेक्शन पॉस्को एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट के तहत 2012 उसमें उसको बुक किया है। जो एक पीड़िता है उसको चिल्ड्रंस होम में सेफ कस्टडी में रखा गया है। अभी हम चलते हैं दूसरे खबर की तरफ।